नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त पुनः उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में एक नई औषधि लेकर के दोस्तों, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी, बेहद लाभकारी साबित होगी दोस्तों। जी हाँ, जौ, जौ को यौ और धन्य राज भी कहा जाता है दोस्तों। यह सभी अनाजों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह एकमात्र बुद्धिवर्धक अनाज है। किसी भी रोग के लिए यह निरापद है। इसका सेवन बिना झिझक के किसी भी रोग के लिए निरापद रूप से किया जा सकता है। यह घुलनशील और लघु और अघुलनशील फाइबर का स्रोत होता है। इस गुण के कारण आपको देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। यह कब्ज को दूर करने के साथ साथ आम दोष यानी कि आयुर्वेद के अनुसार पेट के विषाक्त अवांछित पदार्थ से भी राहत दिलाता है। यह बहुत कम परिश्रम से ही बंजर या पथरीली भूमि पर भी उग जाता है। यह वास्तव में एक अनाज नहीं बल्कि एक औषधि है दोस्तों। आइए इसके कुछ औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। धातु पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, एक सेर जौ का आटा, एक सेर ताजा घी और एक सेर मिश्री को कूटकर कलई युक्त बर्तन में गर्म करके उसमें 10 से 12 ग्राम काली मिर्च एवं 25 ग्राम इलायची के दानों का चूर्ण मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि में छत पर ओस में रख दो। उसमें से हर रोज सुबह 60-60 ग्राम लेकर खाने से धातु पुष्ट होती है और वीर्य गाढ़ा हो जाता है। इसके साथ साथ नपुंसकता भी दूर हो जाती है दोस्तों। उपयुक्त चूर्ण को खाने से वीर्यपात और शीघ्र पतन की समस्या भी दूर होती है। गर्भपात। जी हाँ दोस्तों, जौ के आटे को एवं मिश्री को समान मात्रा में मिलाकर खाने से बार बार होने वाला गर्भपात रुक जाता है। सूजन। यदि शोध के कारण कफ दोष हो तो जौ के बारीक पीसे आटे में अंजीर का रस मिलाकर लगाना चाहिए। कंठमाला। इसके आटे में यानी कि जौ के आटे में धनिये की हरी पत्तियों का रस मिलाकर रोगी स्थान पर लगाने से कंठमाला ठीक हो जाती है। मधुमेह। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज। छिलका रहित जौ को भून पीसकर शहद व जल के साथ सत्तू बनाकर खाएं अथवा दूध व घी के साथ दलिया का सेवन पथ्यपूर्वक कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से मधुमेह की व्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों। जलन। गर्मी के कारण शरीर में जलन हो रही हो, आग सी निकलती हो तो जौ का सत्तू खाना चाहिए। यह गर्मी को शांत करके ठंडक पहुंचाता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। मूत्रावरोध। इसका दलिया दूध के साथ सेवन करने से मूत्राशय संबंधी अनेक विकार समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। गले की सूजन। थोड़ा सा जौ कूटकर पानी में भिंगो दें। कुछ समय के बाद पानी निथर जाने पर उसे गर्म करके उसके कुल्ले करें। इससे शीघ्र ही गले की सूजन दूर हो जाएगी। ज्वर। अधपके या कच्चे जौ खेत में पूर्णतः न पके, जो पूरा खेत में न पका हुआ हो दोस्तों, को कूटकर दूध में पकाकर उसमें जौ का सत्तू मिश्री घी शहद तथा थोड़ा सा दूध मिलाकर पीने से ज्वर की गर्मी शांत हो जाती है। मस्तिष्क का प्रहार। जौ का आटा पानी में घोलकर मस्तक पर लेप करने से मस्तिष्क की पित्त के कारण हुई पीड़ा शांत हो जाती है दोस्तों। अतिसार। जौ तथा मूंग का सूप लेते रहने से आंतों की गर्मी शांत हो जाती है। यह सूप लघु पाचक एवं संग्राही होने से उर्च्छत में होने वाले अतिसार यानी कि पतले दस्त या राजयक्ष्मा टीबी में हितकारक होता है। मोटापा बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जौ को पानी में भिंगोकर कूटकर छिलका रहित करके उसे दूध में खीर की भांति पकाकर सेवन करने से शरीर पर्याप्त हृष्ट पुष्ट और मोटा हो जाता है। धातु पुष्टिकारक योग। छिलके रहित जौ गेहूं और उड़द समान मात्रा में लेकर महीन पीस लें। इस चूर्ण में 4 गुना गाय का दूध लेकर इसमें इस लुगदी को डालकर धीमी अग्नि पर पकाएं। गाढ़ा हो जाने पर देशी घी डालकर भून लें। तत्पश्चात
चीनी मिलाकर, लड्डू या चीनी की चाशनी मिलाकर पाक जमा लें। मात्रा 10 से 50 ग्राम। यह पाक चीनी व पीतल चूर्ण मिलाकर गर्म गाय के दूध के साथ प्रातःकाल कुछ दिनों तक नियमित लेने से वीर्य संबंधी अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं तथा वीर्य गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, पथरी, जौ का पानी पीने से पथरी निकल जाएगी। पथरी के रोगी जौ से बने पदार्थ का सेवन करें। कर्ण शोध व पित्त। पित्त की सूजन अथवा कान की सूजन होने पर जौ के आटे में इसबगोल की भूसी व सिरका मिलाकर लेप करना लाभप्रद रहता है। आग से जलना। जी हाँ दोस्तों, तिल के तेल में जौ के दानों को भूनकर जला लें। तत्पश्चात पीसकर जलने से उत्पन्न हुए घाव या छालों पर इसे लगाएं, आराम मिलेगा। अथवा जौ के दाने अग्नि में जलाकर पीस लें, वह भस्म तिल के तेल में मिलाकर रोगी स्थान पर लगाएं। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों जौ। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक नई औषधि लेकर के, एक नया नुस्खा लेकर के, जो आपके लिए बेहद कारगर और लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, अभी आज्ञा चाहेंगे आप सभी से। अब तक के लिए धन्यवाद।